अब इसके अंदर आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो, मैं आपको जल्दी से स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, सिर्फ मुझे एक मिनट दो। आपने अपने पैकेजेस को डिफाइन करना है, ये आपके सारे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो फेसबुक एड ये आपके सारे हैं, ये उनका मेरे पास पड़ा हुआ है प्रपोजल रिसोर्स ये चेक करना, आपके सामने एक प्रपोजल शो हो रहा होगा। तो इसके अंदर क्या है कि यार आपने पहले आपके इतने सिंगल टिप्स में होना चाहिए कि आपका आपका एक्सपेंडिचर क्या है, कि यार मेरा 30,000 लेट्स पुट, मैंने जब 30,000 लिखा हुआ सामने, मेरा एक्सपेंडिचर लेट्स पुट इसके अंदर 20,000 आना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट रख के सॉरी पैकेजेस बना दूंगा। अब ये मेरे पास 30,000 का पैकेज, देन मेरे पास 25,000 का, देन 20,000 का, 15,000 का, देन मेरे पास कुछ पैकेजेस है। अब अगर मैं आपको इस काइंड ऑफ वेब डिजाइन का दिखाता हूँ, सॉरी एक मिनट जरा मैं आपको इधर, अब इसके अंदर जो अपनी अपना क्या कहते हैं बजट रखोगे वो, क्योंकि इसके अंदर आपको स्पेंडिंग भी करनी है, आपने आगे इन्वेस्ट करना है, देन आपने आपको क्लाइंट को रिजल्ट देने। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अगर आप वेब डिजाइन की बात करते हो, अब वेब डिजाइन के अंदर ये सामने आपके आ रहा है कि आप मेरे पास $50 का पैकेज है, मेरे पास $100 का पैकेज है, मेरे पास $200 का पैकेज है। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन रीड करो कि मैं 5-page वेबसाइट डिजाइन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं एसेंशियल्स लाइक गूगल मैप्स कर दूंगा, सोशल मीडिया आइकन्स कर दूंगा, कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो ये आपके स्किल अगर आपके फिंगर टिप से होगा देन आप कर सकते हो। लाइक अगर आप टी शर्ट के बनाते हो, आप 3 packages बना लेते हो, आप करते हो कि मैं एक $5 की एक टी शर्ट डिजाइन करूंगा, $10 की 2 करूंगा और 20 की 3 करूंगा, इस तरह कर सकते हो, या मैं 10 में 1 करूंगा, 20 में 2 करूंगा, 30 में 3 करूंगा। और लाइक और आप किस तरह कर सकते हो, अगर कोई बंदा इधर ग्राफिक डिजाइनिंग का बैठा हो तो उसे आइडिया होगा कि मैं 10 में 1 करूंगा, 20 में 2 करूंगा और अगर मैं 50 में इलस्ट्रेशन करूंगा, इलस्ट्रेशन अगर किसी भाई को पता हो तो उसको आइडिया होगा कि इलस्ट्रेशन क्या चीज़ होती है। तो इस तरह आपने अपने डिफरेंट पैकेजेस डिसाइड करने हैं। तक यार स्क्रीन शेयर नहीं है, जल्दी से टाइप करना ज़रा, मैं सिर्फ एक मिनट बाद शेयर करता हूँ, सॉरी सॉरी। तो आप देखना जरा शेयर होगी, जल्दी से यस लिख दो, एक बंदा भी लिख देगा तो शेयर हो जाएगी। आपके सामने फाइवर के पैकेजेस खुले होंगे, चले गुड हो गया। तो अब आपने फाइवर आपसे पहले पूछेगा कि पैकेजेस बनाओ अपने गीत के, आपने अपने पैकेजेस ऑन दी बेसिस ऑफ अपने सर्विसेज बनाने। अब मेरी सर्विस है सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स। अब फेसबुक एड्स के लिए मुझे पे भी करना पड़ेगा फेसबुक को ऐड लगाने का, तो मुझे अपना बजट उसके अकॉर्डिंगली सेट करना पड़ेगा। लाइक अगर लेट्स सपोज मेरी स्पेंडिंग $50 की है, तो मैं अपनी गिग को बनाऊंगा ऑलमोस्ट $100 की, समथिंग लाइक दैट। मैं इस तरह कुछ करूंगा ताकि मेरा प्रॉफिट ऊपर बचे। अब लेट्स सपोज अगर आपकी वेबसाइट डिज़ाइन की सर्विसेज है, तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा? सॉरी मैंने खोला था, एक ये अब आपके सामने। तो इसके अंदर आपके पैकेजेस मैंने वेब डिज़ाइन के लिखे हैं, आप चेक करो कि मैं $50 के अंदर 5 pages बना रहा हूँ, असेंशियल्स बना रहा हूँ, उसके अलावा कॉन्टेक्ट फॉर्म हो गया, उसके अलावा गूगल मैप्स हो गया, व्हाट्सएपर, देन आ गया $100। $100 के अंदर मैंने कहा यार अगर आपके 5 से above pages हो गए और 10 के दरमियान हो गए, देन मैं 100 चार्ज करूँगा, और देन अगर 15+ होंगे तो मैं आपके 200 चार्ज करूँगा, और उसके अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी आ जाएगी। लेकिन ये आपने ऐसी डिज़ाइन नहीं कर देना, आप पहले अपने कंप्यूटर को एनालाइज करो। लेट्स सपोज अगर मैं इधर जाता हूँ, मैं इधर लिखता हूँ वर्डप्रेस, मैं आपको डिफरेंट चीज़ों से इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको टोटली क्लियर हो जाए। वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन मैंने सर्च किया, अब आप देखो इसके अंदर एक मिनट जरा 30,000 बंदा बैठा हुआ है, और अगर हम इधर लिख के आते हैं तो ये मेरी जीवी रैंक कर रही है, तो ये क्यों करेगी? इन चीज़ों को फॉलो करना है। अब मैं जाता हूँ कि पैकेजेस लेट्स सपोज आप मेरे ना देखो यार, आप अपने कोई भी देख लो, आप प्रो के देख लो, प्रो तो चलो बहुत महंगा होगा, हम प्रो को छोड़ देते हैं, आप थोड़ा सा नीचे आके टॉप एडिट देख लेते हैं हम तक, हम उसके अलावा इसके भी देख लेते हैं, हम देन रैंडमली चूज करके जो पहले पेज थे वो सारे भाई कहीं ना कहीं स्टैंड करे, तो आपने देख लिया। अब अगर मैं बात करता हूँ इसके पैकेजेस देखो, आप इसका बेसिक ही 395 का, क्योंकि इसके 1000+ रिव्यूज है, इसका ट्रस्ट लेवल फाइवर के बायर्स पे, सॉरी फाइवर के बायर्स पे, फाइवर के ऊपर बहुत अबाउट है इसने, इसलिए इसने अपना बहुत ही एक्सपेंसिव रखा है। हम क्योंकि स्टार्टअप है तो हम बहुत कम प्राइस रखेंगे, बहुत कम का मतलब ये नहीं है कि $5 के अंदर वेबसाइट बना के देना शुरू कर दो, $50 हमने मिनिमम रखना ही करना वेबसाइट डिज़ाइन का। अब जी मैं देखता हूँ कि प्रीमियम फ्री में, उसके अलावा उसने कहा जी 5 pages बनाऊँगी,
5-6 इमेजेस यूज करूंगी, उसके अलावा स्लाइडर डाल दूंगी, सोशल शेयरिंग कर दूंगी, समथिंग इस तरह का, ठीक है। तो इससे हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हमने पैकेजेस किस बेस पे चुने। लाइक अब ये ना हो कि आपके कंपटीटर $50 की सर्विस प्रोवाइड करें और आप लोग आगे बैठ जाओ, मैं 5 पेजेस की अपन 200 बना के दूँगा, तो फिर तो कोई भी नहीं आएगा। फाइबर को तो वैसे ही कहते हैं छोटे नहीं हो रहे तो अभी हमें ये चीज क्लियर होगी कि हमने किस बेसिस पे पैकेजेस को कंपेयर करना है। हमारी कंपटीटर से ज्यादा भी ना हो, हमारी कंपटीटर से कम भी ना हो, लेकिन आप अपनी सर्विसेज को डिफाइन कर सकते हो। लाइक आपने $50 का अपना पैकेज सिलेक्ट किया है, अब आपका जो कंपटीटर है वो सिर्फ दे रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट 5 पेजेस की बनाऊंगा। आप क्या करो, आप कह दो कि मैं स्लाइडर भी डाल दूंगा, मैं इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी कर दूंगा, मैं इसके अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डाल दूंगा, मैं गूगल मैप भी डाल दूंगा 5 स्टार। अब ये सारे सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, लेकिन आपका बायर इससे आपके पास आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब वो आपके पास आएगा तो वो कहेगा यार $50 का वो भी कर रहा है, $50 का ये भी कर रहा है, लेकिन ये $50 के अंदर चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड कर। तो इस चीज़ का हमने ध्यान करना है। देन हम अगर पैकेजेस का लेट्स गो, मैं अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बीच पे जाता हूँ, इसके लिए आप पैकेजेस देख सकते हो, $40 है, $140 है, देन $310 है। अगर मैं आगे जाता हूँ फेसबुक एड वाले, इसमें जाता हूँ, अब इसमें लिखा हुआ है कि मैं आपका एक एड रन करूँगा और मैं आपसे $50 चार्ज करूँगा। अब ये सिर्फ अ काइंड ऑफ मैनेजिंग कर रहा है, ये रन अपने बजट से रन नहीं कर रहा, ये कह रहा है मैं आपको एक सही लिखूँ, आई विल सेट अप वन एड कंपेन फॉर योर बिजनेस प्लस बोनस 1 वीक मॉनिटरिंग। तो मैं आपका एक एड सेटअप करूँगा, बजट क्लाइंट का ही है, सिर्फ ये बंदा सेटअप कर रहा है और $50 चार्ज कर रहा है और कह रहा है कि मैं आपकी वेबसाइट को मॉनिटर भी, सॉरी वेबसाइट को नहीं, आपके एड अकाउंट को मैनेज भी करूँगा। देन आता स्टैंडर्ड पैकेज, आई विल सेटअप एड सेट एंड ऑडियंस फॉर योर बिजनेस। अब अगर किसी बंदे को सोशल मीडिया मार्केटिंग का पता हो, फेसबुक मार्केटिंग का, तो उसके अंदर आप टारगेटेड ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये वही कह रहा है कि मैं आपकी ऑडियंस सेलेक्ट करूँगा और देन आ रहा है कि मैं ऑल इंक्लूडेड से, अच्छा वो कह रहा है कि मैं बाकी 2 को भी लेके चलूँगा और उसके अलावा मैं 1 मंथ के लिए आपको प्रेजेंस भी शो कराऊंगा। वॉइस क्लियर नहीं है? नहीं नहीं सर, क्लियर है वॉइस। चले गुड। तो अब हमें पैकेजेस का क्लियर हो गया कि हमने किस बेसिस पे बनाने हैं। अब अगर मैं देखता हूँ कि एक मिनट जरा मैं अपने कंप्यूटर को देखता हूँ, इधर मैं था, इधर गया है ये। अब इसके मैं पैकेजेस देखता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि मैं इसकी प्राइस को तो कॉपी नहीं करूँगा क्योंकि ये प्रो सेलर है। प्रो फाइबर के ऊपर जिनके सबसे ज़्यादा ये वेरीफाइड सेलर्स होते हैं उनके रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, तो मैं इनके रेट्स को नहीं कॉपी करूँगा। मैं सिंपल इनकी डिस्क्रिप्शन को देखता हूँ कि यार इन्होंने क्या लिखा हुआ है। अब वो कह रहा है मैं एक ऐड कैंपेन सेटअप करूँगा और एक ऐड सेट होगा। अब असल में होता ही है कि एक कैंपेन के अंदर आप एक ऐड सेट लगा सकते हो, मल्टीपल ऐड सेट्स लगा सकते हो और मल्टीपल ऐड लगा सकते हो। अगर किसी को पता हो सोशल मीडिया मार्केटिंग का तो उसको आइडिया होगा।